हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मौज कर रहे होंगे। और गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 30-20 आई मुकाबला। दोस्तों दो मुकाबले बहुत ही शानदार तरीके से इंडिया ने जीत लिए हैं। और दोस्तों मैं तो कहूँगा यार, क्लीन स्वीप कर लो, तब जाके दोस्तों हमारे थोड़े से जख्म जो है वो भरेंगे, जो हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने दिए हैं वर्ल्ड कप फाइनल में। यार देखो, वैसे वो फाइनल वो वर्ल्ड कप था और ये सीरीज है, तो देखो यार फर्क तो काफी है, लेकिन T20 में एक तरफा दोस्तों हरा रहे हैं यार। ऑस्ट्रेलिया की इतनी बुरी गत कर दी है दोस्तों, इतनी बुरी हालत कर दी है कि आप लोग जो है देख रहे हो यार, खुद भी कितना तरसा तरसा के मार रहे हैं इंडिया वाले। ठीक है, तो गाइस मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार इस सीरीज में। बहुत अभी दोस्तों 3 T20s आई और हैं, 5 खेलेंगे टोटल, तो 2 हो गए, 3 और हैं। ठीक है, इस मैच को मिला के तो मजा आने वाला है। और दोस्तों सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ग्रैंड लीग जीतना है तो 3 चीज़ें सुन लो सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों वीडियो पता नहीं आप पूरा देखोगे नहीं देखोगे, लेकिन मैं आपको इसलिए शुरुआत में ही ग्रैंड लीग के लिए 3 चीज़ें बता देता हूँ। आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए आपको अपनी खुद की ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों आपको पिच रिपोर्ट पता होना चाहिए। पिच रिपोर्ट कैसे, क्योंकि दोस्तों 80% जो मैच होते हैं वो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। 10-20% में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि गाइस ये क्रिकेट है, महान अनिश्चितताओं का खेल है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्लेयर की रिसेंटली फॉर्म क्या है। और थर्ड दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस वेन्यू पर, इस जहाँ पे इस पिच पे जो मैच खेलने वाले हैं, वेन्यू पर रिसेंटली 3-4 मैच जो खेले गए हैं वो कैसे गए हैं। अगर दोस्तों आपको ये 3-4 चीज़ें पता है तो फिर आप लोग दोस्तों किंग हो, फिर आप लोग जो है फैंटेसी के किंग हो। ठीक है, और ग्रैंड लीग पे ग्रैंड लीग आप मारते जाओगे भाई। तो गाइस यही सब 3-4 चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और दोस्तों उसके अलावा ग्रैंड लीग के स्मॉल लीग के कॉम्पिटिशन कैसे बनाना है आपको, वो भी दोस्तों मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो गाइस आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों गुवाहाटी का ये स्टेडियम है। और दोस्तों इस स्टेडियम के रनों स्टेडियम पर रनों की बारिश होती है। इट मींस गाइस, अगर T20 आईज आप खेल रहे हैं और दोस्तों इंडिया की टीम पहले बैटिंग बल्लेबाजी करती है, तो दोस्तों आपको 250+ स्कोर दिखाई देगा। बहुत छोटा ग्राउंड है दोस्तों, और बैटिंग बिहेवियर पर गाइस यहाँ पे 375 का जो है हाईएस्ट स्कोर था, जो कि इंडिया ने मारा था श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, ODI का है बता रहा हूँ मैं, लेकिन यार देखो रन तो बनेंगे ही बनेंगे। और इंडिया का बैटिंग लाइन आपको बताया, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, सत्यवीर जायसवाल, ईशान किशन दोस्तों बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं अपने पास। रिंकू सिंह, शिवम दुबे तो खेला नहीं था लास्ट में, तो रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अच्छी डेप्थ है गाइस हमारी बैटिंग में। और दोस्तों बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में बढ़िया बैटर है, स्टीवन स्मिथ, जोस इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट। ठीक है, तो गाइस दोनों ही तरफ से बढ़िया आपको जो है बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे रन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग अपनी टीमें बनानी है। तो गाइस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दोस्तों अपनी ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग की टीम क्रिएट कर सकते हो इस मैच के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। तो गाइस देखो, पिच रिपोर्ट मैंने बताया बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, ये एवरेज स्कोर 181 का है। ठीक है, एवरेज स्कोर 181 का है, तो गाइस आप समझ लो 250 तो पक्का ही समझ लो आप, 250 नहीं तो 220 से 250 के बीच में इसको रहेगा अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो आपको दोस्तों 210 तक भी दिख सकता है इसको। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा है। रिंकू सिंह को देख लो आप, 10-12 बॉल मिलती है 30-35 रन मार देता है। ठीक है, तिलक वर्मा को देख लो, 7-8 बॉल मिलती है 20-25 रन मार देता है। कहीं जैसा है कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो 200 से 220 समझ लो, और अगर इंडिया दोस्तों पहले बल्लेबाजी करती है तो आप 250 तक मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, टीम कंपैरिजन की अगर बात करूं तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के लास्ट रिसेंटली 5 मुकाबले देख लो आप। रिसेंटली 5 मुकाबलों में से दोस्तों जो है इंडिया 5 मैच से 4 मुकाबले जीती है, 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपने लास्ट के 5 मुकाबलों में से सिर्फ 3 मुकाबले जीती है, 2 मुकाबले दोस्तों इंडिया ने दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से हराया इनको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो पहले ये 5 में 5 विन थी, अब 5 में से 3 विन हो गई है। ठीक है, सो गाइस देखो ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वेन्यू का रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, कैसे दोस्तों आपको टीम का कंपैरिजन टीम का कंपैरिजन आपको दिखाया है कि कैसे दोस्तों दोनों ही टीमें जो है लास्ट के अपने 5 मुकाबलों में परफॉर्मेंस कर रहा है। बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है दोस्तों, पिच रिपोर्ट बता दी। अब गाइस आपको प्लेयर की रिसेंटली फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, तो गाइस सबसे पहले जो है कुछ हम इनके मैचेस भी देख लेते हैं, कुछ मैचेस कैसे गए इनके बीच में, दोनों जो इनके बीच में खेले हैं। तो गाइस देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने लास्ट के 2 ईयर में टोटल 5 बार आमने सामने आई है। ठीक है, जिसमें से 4 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 1 मुकाबला जीता है।
तो मैं कहूँगा दोस्तों इंडिया का पलड़ा भारी है अगर आप लोग सट्टेबाज हैं, ठीक है। वैसे तो गाइस देखो जो हम लोग फैंटेसी का प्रेडिक्शन करते हैं वो सट्टा और जुआ की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोग सटोरिया हैं, अगर आप लोग सट्टा लगाते हैं कहीं किसी वेबसाइट पर, तो गाइस इंडिया के ऊपर लगा देना, इंडिया जीतने वाली है, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पे आप देख लो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के 4 मुकाबले किस प्रकार से गए हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों देखो यहाँ पे इंडिया के सिर्फ 4 विकेट गिरे, 8 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट, 3 विकेट, 7 विकेट, 5 विकेट, ठीक है, 6 विकेट, 6 विकेट। तो कई रन भी बन रहे हैं, विकेट भी गिर रहे हैं, मतलब एक एवरेज हम इनका फाइटिंग बोल सकते हैं कि किसी भी टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते, दोनों ही टीम को दोस्तों आपको बराबर फाइट देखने को मिलेगी कैसा भी मैच जाए, ठीक है। तो हमने दोस्तों उनके रिसेंटली मैच भी देख लिए हैं इन दोनों टीमों के कैसे गए हैं, हमने पिच का बिहेवियर देख लिया कैसे, हमको दोस्तों प्लेयर की रिसेंटली फॉर्म और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। तो भाइयों अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ यार, क्योंकि आपका ही अपना चैनल है, फ्री की प्राइम टीम है, वीडियो मैच प्रेडिक्शंस के सब कुछ दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम पर मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं, हमारा जो है गाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है, अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे, सॉरी यूट्यूब बोल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पर अगर आप जाकर डायरेक्ट सर्च करोगे तो बहुत सारे फेक चैनल मिलेंगे। आपको हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ना है तो दोस्तों आपको सिंपल सा एक ही स्टेप फॉलो करना है, आपको मेरे किसी भी मेरे चैनल के किसी भी वीडियो में जाना है जहाँ पर मेरी शक्ल दिख रही हो, ठीक है, जहाँ पर मेरी शक्ल दिख रही हो उस किसी भी एक वीडियो में आप चले जाओ, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मेरा टेलीग्राम का ओरिजिनल लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में क्रिएट करना आता है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, और भाई हो अगर आप लोगों को अपनी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम में क्रिएट करना नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सिंपल सा दोस्तों आपको एक स्टेप फॉलो करना है, आप जाइए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल ओपन जैकपॉट टीम मिलेगी डेली बेसिस पर, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो भी दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दोस्तों आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, उस मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करके और दोस्तों डायरेक्ट मुझसे बात करिए, बात नहीं कर पाते दोस्तों तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए, 10, 20, 50 जितनी टीमें चाहिए उतनी टीमें मिलेंगी गाइज, ठीक है, ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों देखो यार मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, आप फिर ओपन जैकपॉट टीम के साथ भी जा सकते हो, टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर दोस्तों आपको टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करना है, ग्रैंड लीग खेलना है, तो भी दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों आप यहाँ पे साइड में देख लो मैंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए विंडो जो है ओपन कर ली है अपनी, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे जो है आप लोग देख लो कैसे आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करना है और दोस्तों कैसे आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम है दोस्तों क्रिएट करना है। तो दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग सबकी टीमें मिलने वाली, इत्मीनान से दोस्तों वीडियो को देख लो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 मिनट का वीडियो और होगा। सो भाई लोग आप यहाँ पे सबसे पहले देख लो आपको क्रिएट टीम पर जाना है, सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम कैसे बनाना है वो देख लो, स्मॉल लीग की टीम बनेगी गाइज इस प्रकार से यहाँ से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको भी बताया यार कि स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करने के लिए हमको सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से बंदों को चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, रमेशनोई प्रसिद्ध कृष्णा को लेंगे और यहाँ से नाथन नरेश को ले लेंगे, दोस्तों हमारी ये परफेक्ट टीम एक बन चुकी है स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो मार्कस स्टोइनिस या फिर मैथ्यू शॉर्ट को हटा देना, लेकिन मैं कहूँगा मत हटाओ यार, बढ़िया परफेक्ट टीम है भाई। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर दोस्तों बात करूँ तो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, यशस्वी जायसवाल और जोस इंग्लिश, स्टीवन स्मिथ सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। और ग्रैंड लीग की अगर बात करूँ दोस्तों तो ग्रैंड लीग में आवाज़ बता देता हूँ आपको, देखो भाई सबसे पहले हम चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। दोस्तों ग्रैंड लीग में मैं बताऊं आपको विकेट कीपर सेक्शन से आप किसी एक बंदे को चूज कर, या तो दोस्तों ईशान किशन को रख लेना, या तो भाई लोग आप लोग रख लेना जोस इंग्लिश को। देखो जोस इंग्लिश का जो लास्ट मैच गया वो दोस्तों बेस्ट नहीं था, और ईशान किशन ने दोस्तों अपने दोनों ही मैचेस में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी मारी है। तो गाइस मैं कहूंगा आप यहाँ से आप ईशान किशन को चूज करना। दोस्तों मैथ्यू वेड है ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए जो है अच्छे पिक हो सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों जितेश शर्मा को मौका मिलता है तो जितेश शर्मा भी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बल्लेबाजी की दोस्तों अगर बात करूं तो सूर्य कुमार यादव ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट पिक हो सकते हैं। यहाँ से जायसवाल और गायकवाड़ को आपको छोड़ना पड़ेगा भाइयों, आपको गायकवाड़ और जायसवाल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये स्मॉल लीग के लिए तो बेस्ट है, पावर प्ले में दोस्तों अगर विकेट गिर गया मान लो जल्दी माना कि तो गाइज फिर दिक्कत है। तो ग्रैंड लीग में इनको छोड़ देना, रिंकू सिंह को पिक करना, ठीक है। टिम डेविड को भी आप पिक कर लेना ग्रैंड लीग में, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैं बात करूँ अक्षर पटेल कॉमन प्लेयर है होना चाहिए आपकी टीम में, ग्लेन मैक्सवेल आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है, मार्कस स्टोइनिस आपकी टीम में होना चाहिए दोस्तों। और गाइस यहाँ से आप देख लो, यहाँ से गाइस आपको क्या करना है, एडम जेम्पा आपकी टीम में होना है, ठीक है।
अर्शदीप सिंह लास्ट मैच में चला नहीं था, दो मैच में एक एक विकेट निकाला है, फर्स्ट मैच में बिल्कुल विकेट नहीं लिए थे, इसलिए दोस्तों सिलेक्शन परसेंटेज आप देखो कम हो गया तुरंत, आदमियों को लगता है यार ये तो विकेट ले नहीं रहा है क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों हमको ऐसे ही ट्रम्प प्लेयर जो है लेने हैं ग्रैंड लीग के लिए, आपको पाँच प्लेयर दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं वो, ठीक है कौन कौन से वो पाँच प्लेयर हैं जिनको आप लेगा ग्रैंड लीग जीत सकते हो। ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे ग्रैंड लीग में आपको सीन अवार्ड अर्शदीप सिंह, एडम जैम्पा, ठीक है, और दोस्तों मुकेश कुमार और तनवीर सांगा, ये पांच लोगों को लेके ना भाई आप गारंटी दे सकते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ पांच लोगों को। यहाँ से दोस्तों आप क्या करना, यहाँ से भाई अक्षय पटेल को हटा देना, स्टोनिस को और ग्लेन मैक्सवेल को, या फिर मैथ्यू शॉर्ट को और मैक्सवेल को ले लेना ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है यहाँ से सूर्य कुमार यादव और यहाँ से ईशान किशन, दोस्तों सबसे बेस्ट टीम आपकी ये बन जाएगी, आप देख लो दोस्तों नोट कर लो, मैंने वीडियो में ग्रैंड लीग के लिए टीम बताई है। ठीक है कैप्टन वाइस कैप्टन की दोस्तों बात करूँ तो यहाँ से दोस्तों टिम डेविड, रिंकू सिंह, ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों ये जो पांचों है ना, ये सब ये जो पांच बंदे मैंने आपको बताया ना दोस्तों, ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इनको तो आप दोस्तों अपनी टीम में 101% रखो ही रखो, क्योंकि दोस्तों यही वो प्लेयर है जो आपको ग्रैंड लीग जिता के दे सकते हैं। सो यार देखो भाई, मैंने तो आप लोगों को ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीमें बता दी है इस वीडियो में, दोस्तों जो है ये सब डमी टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा मैं आफ्टर टॉस प्लेइंग 11 के साथ, तो भाई लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगेन बोल रहा हूँ गाइज, अगर आप लोगों को अपनी खुद की टीम बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो दोस्तों मैं बैठा हूँ, मोबाइल नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए व्हाट्सएप करिए मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है और दोस्तों अगर अभी भी आपकी कुछ क्योरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो दोस्तों आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ गाइज।